इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन का इस्तेमाल किस तरीके से टैली में किया जाता है। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एक्टिवेट करना पड़ेगा, उससे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी का बिल वाइज डिटेल ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। F11 में चलते हैं कंपनी फीचर में, F11 में अकाउंटिंग फीचर में चलते हैं। अकाउंटिंग फीचर को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पीछे बैठे हुए हमारे स्टूडेंट्स के लिए जूम। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, वो येस है, और यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर येस येस, एडवांस पैरामीटर येस, और एक्सेप्ट करा दीजिए कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करते हैं। श्याम लाल हमारे क्रेडिटर हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज डिटेल येस, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड आपको डालना कंपलसरी है, कितने दिन का उधार है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि उधार कितने दिन का है, तो इंटरेस्ट किस डेट से हम एक्टिवेट करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्रेडिट पीरियड 30 दिन का दे दिया, 30 डेज, और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लिया, स्क्रीन एंटर, और यहाँ पर आपने इसको किया येस येस नो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ले रहे हैं अगर आप 365 डे ईयर, कौन से बैलेंस पे लगाना चाहते हैं, अगर ये क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिटर है तो डेबिट बैलेंस, कब से लगाना चाहते हैं, पास्ट ड्यू डेट, और इसके बाद में आप चाहते हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पे ले आइए इसको और एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके, तो ये एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके बाद हम इसकी एंट्री करते हैं वाउचर में, और यहाँ पर हमने लिया इसमें परचेज F9 कर लेते हैं या बटन बार का यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसकी एंट्री की श्याम, 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा गया, और यहाँ पर बिल मेंटेन किया गया न्यू रेफरेंस, आप बिल के लिए मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, 30 डेज का पीरियड, और यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन बॉक्स, ये देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको दिखाया जा रहा है इंटरेस्ट की वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड कर रखी है, आप सिर्फ एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कराइए और एक्सेप्ट। डिस्प्ले के डेबुक में चलते हैं, गेट ऑफ टैली DD, दो बार डी प्रेस कीजिए, डी एज इन डिस्प्ले एंड डेबुक, और यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चलते हैं आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड पेबल, पेबल में डेट चेंज कीजिए, आप कब से कब तक का देखना चाहते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक का, ये देखिए ये इंटरेस्ट की डिटेल आ रही है, थोड़ा उसमें आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिख जाएगा, इंटरेस्ट पीरियड आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको डिटेल दिखा रहा है कि जो भी आपका टोटल बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट कितने रुपए का लगा हुआ है। इसी तरीके से हम अपने डेटर पे भी ये एंट्री कर सकते हैं, हम चलते हैं सन्ड्री डेटर पे, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट है, यहाँ पर मैंने अपना ही नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल राजीव कुमार कर देता हूँ इसको मैं, सन्ड्री डेटर बना लेते हैं, सन्ड्री डेटर आपका यहाँ नीचे है, और इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन पीरियड 30 डेज में आएगा, येस सिमिलर इन्फॉर्मेशन येस येस नो, हमें उधार मिलता है 10% के इंटरेस्ट पर 365, और ये आप ले लेंगे इसको डेबिट बैलेंस ओनली, ठीक है जी, क्योंकि डेबिटर है, पास्ट ड्यू डेट है हमारा, और इसके बाद हमने क्या किया इसको डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले ली और एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है जी, ठीक है। आप किसी भी डेट में एंट्री कर लीजिए, उसके बाद का क्रेडिट पीरियड चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो वाउचर में गए और वाउचर में हमने सेल्स की एंट्री कर दी यहाँ पर कंट्रोल वी, क्योंकि स्टॉक आइटम अभी नहीं है हमारे पास, अकाउंटिंग मोड में एंट्री कर रहे हैं राजीव, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का बिल, इंटरेस्ट की डिटेल सेम आ रही है और यहाँ पर ही एंट्री हो गई। चलिए एक बार चलते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसीवेबल DSIR ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पर जो आप डेट देख रहे हैं, जो पीरियड हमारा आ रहा है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल नहीं मिल रही है, आप F2 कीजिए और आप देख लीजिए 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक, अगर आप चाहते जुलाई या अगस्त, 8वां महीना अगस्त का दे दीजिए, और आपके इंटरेस्ट की डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन से।
भूलिएगा मत कि टैली के दो पार्ट हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई तो दिया लेकिन अभी आपके डेबिटर या डेटर या क्रेडिटर के बैलेंस में ऐड नहीं हुआ है। इसको ऐड करने के लिए मैं आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर्स की हेल्प से बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिक किस तरीके से ऐड हो जाएंगे।